वहां से है जहां पर अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब गांव में आम रास्ते तक को नहीं छोड़ रहे हैं। गांव के लोगों ने पंचायत और अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मामला साझा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पदुमसरा और नवागांव गांव का है। यहां पर गांव के दबंगों ने नवागांव कला के आम रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है, तो ग्राम पंचायत पदुमसरा के रसूखदार ने गौठान पर ही यहां पर कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण की शिकायत ग्रामीणों द्वारा पंचायत और तहसील कार्यालय में की गई है, बावजूद इसके यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने कलेक्टर से अतिक्रमण की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। ज्यादा जानकारी के लिए बेमित्रा से हमारे साथ हमारे संवाददाता दिलीप साहू फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, बेखौफ दबंगों ने यहां पर आम रास्ता बंद कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, मामला बेमेतरा जिला का साझा ब्लॉक का ग्राम पंचायत पदुमसरा और नवागांव कला का है, जहां अतिक्रमणों के हौसले इतने बुलंद है कि आम रास्ता और गौठान को कब्जा कर लिया गया है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी उनको तरफ न ध्यान दिया जा रहा है न कुछ किया जा रहा है। हताश होकर ग्रामीणों ने यहाँ कलेक्टर जनरेशन में शिकायत की है। तहसील कार्यालय में भी ग्रामीण शिकायत कर चुके हैं, बावजूद उसके कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? दिलीप, क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? अधिकारी का रोब इतने बढ़े हुए हैं क्योंकि आजकल टोल मोडोल करते रहते हैं, आज जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे बोल के उनको ग्रामीण को घुमाया जा रहा है जी। बार बार उनको तहसीलदार या एसडीएम के पास जाना पड़ा, मजबूर होने के बाद वो लोग फिर कलेक्टर के पास गए, लेकिन कलेक्टर जाने के बाद बोले एसडीएम को आदेशित किया गया है कि वहां जाके देखो और वहां अतिक्रमण को हटाया जाए। दिलीप बने रहिए हमारे साथ, चलिए आपको सुनवाते हैं कि वहां के ग्रामीणों की क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ उनका कहना है। गाँव में चुलमाटी चौक है, उसको रामाधार साहब और विनोद साहू के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। उसमें दीवार लगाए गए हैं, टीन लगाए गए हैं और मिट्टी पटा गया है। इसमें पंचायत में भी देन आवेदन, पंचायत के बाद तहसील ऑफिस में आवेदन देहन और आवेदन दे 14 तारीख के देहन, मतलब एक महीना गुजर के कोई कार्यवाही नहीं होते। गांव से दबंग अब नहीं है, फिर मोहल्ला दबंग है। ओकर से ये हुआ थे कि पूरा मोहल्ला वाले परेशानी हुआ थे, और यहाँ पंचायत आवेदन दे हैं, ओकर साथ साथ थाना भी दे हैं, थाना में इतना करे हैं, थाना के बाद तहसील अपील गए हैं, ओकर बाद कलेक्टर ऑफिस हैं। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। गांव में चुलमाटी चौक है। तो दिलीप, जिस तरह से आप भी सुन रहे थे, ग्रामीण खासा परेशान है, रसूखदार ने भी कब्जा कर रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई आला अधिकारी एक्शन क्यों नहीं लेता? क्या डर लग रहा है किसी को? अधिकारियों को डर है? इतना तो जानकारी नहीं है क्योंकि उनको रसूखदार है, इसलिए कारण वो लोग भी कचरा रहे हैं क्योंकि कोई अधिकारी उनके जाने से कतरा रहे हैं। कोई रसूखदार है, कोई और कुछ बोल रहा है, कोई राजनीति पार्टी लेकर उनको सब अधिकारी को बोल दिया जाता है वहाँ जाना नहीं है, क्या कुछ करना नहीं है, ऐसा बोल के। दरअसल आपसे दिलीप जी जानना चाहेंगे कि ये अतिक्रमण दरअसल रसूखदारों ने कब से अतिक्रमण कर रखा है, जिसके चलते लोग खासा परेशान है वहाँ पर? ये 5 से 6 साल हो गया है, बता रहा है ग्रामीण लोग, बता रहे हैं 5 से 6 साल हो गया है, लेकिन अभी तक उनको हटाने के लिए कई बार पंचायत प्रस्ताव दे चुके हैं, कई बार पंचायतों को बोल, वहाँ अधिकारी को बोल चुके हैं, तहसीलदार को बोल चुके हैं, एसडीएम को बोल चुके हैं, लेकिन अभी 5 सालों तक अभी तक उनको हटाने के लिए बोला है लेकिन हटाया है ना कुछ किया गया उनके द्वारा। तो क्या राजनीतिक रसूख के चलते इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही? दिलीप, ये मान लिया जाए रसूखदार ही राजनीति के कारण ही लोगों पर ना कार्रवाई हो रही है ना कुछ नहीं हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जानकारी के लिए। आपको खबर हम बता रहे हैं बेमित्रा से, जहां पर अतिक्रमणकारियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब गांव में आम रास्ते तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है। गांव के लोगों ने पंचायत और अधिकारियों से भी शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मामला साझा जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पदमसुरा और नवागांव कला का है, जहाँ पर गाँव के दबंगों ने नवागांव कला के आम रास्ते पर अतिक्रमण कर रखा है, तो ग्राम पंचायत पदमसुरा के रसूखदार ने गौठान पर ही कब्जा कर लिया है। अतिक्रमण की शिकायत ग्रामीणों द्वारा पंचायत और तहसील कार्यालय में की गई, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने कलेक्टर से अतिक्रमण की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बेखौफ दबंगों ने गांव का आम रास्ता बंद कर दिया है, दबंगों को कानून का खौफ नहीं है। गांव को कब
दबंगों की दादागिरी से निजात मिले कि आखिरकार एक बड़ा सवाल यहां पर उठ जाता है। अतिक्रमण करके सड़क को घेर लिया जाता है, काफी शिकायतें की जाती हैं, तहसील कार्यालय में शिकायत की जाती है, पंचायत में शिकायत की जाती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि जो अतिक्रमणकारी हैं वो राजनीतिक रसूख रखते हैं। तो बेहद ही गंभीर मामला है जहां पर राजनीतिक रसूख के चलते इन दबंगों पर कार्रवाई नहीं हो रही और इन दबंगों को कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। ग्रामीणों ने अब तक कलेक्ट्रेट में भी इस चीज की, इस बात की जानकारी दे दी है, लेकिन अभी तक माननीय अधिकारियों द्वारा यहां पर अतिक्रमणकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब साथ ही साथ ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आखिरकार एक न्याय की उम्मीद बांधे ग्रामीण बैठे हैं कि कब इस तरह की अतिक्रमणकारियों पर ये कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर डिंडोरी से।